गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए देखते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी का। आज हम देखते हैं हार्ट के बारे में, हार्ट या हृदय। हृदय का हमारा स्ट्रक्चर, हृदय के बारे में पूरा देखते हैं। तो हृदय का स्ट्रक्चर हमने बना दिया है एक हार्ट के शेप का, नॉर्मल सिंपल सा स्ट्रक्चर जैसा हार्ट का शेप होता है। ये हमारा हार्ट हमारा सिचुएटेड होता है लंग्स के साइड में, लंग्स के घेरे में एक सिचुएटेड होता है। तो हार्ट में सबसे पहले चार चैम्बर होते हैं, फोर चैम्बर। जो चारों चैम्बर बटे होते हैं वो एक मसल्स की मदद से, जिसको स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम की मदद से बटे होते हैं चार चैम्बर। पहले चैम्बर में एक ट्राइकल्पिट वाल्व होता है और दूसरे चैम्बर में डाइकल्पिट वाल्व होता है। पहले चैम्बर में तीन तीन वाल्व का एक वाल्व जिससे ट्राइकल्पिट वाल्व, और दूसरे चैम्बर में दूसरी साइड में होता है हमारा लेफ्ट साइड में दो वाल्व होते हैं। अब जो चारों चैम्बर होते हैं उनको हम कहते हैं, जिधर हमारा लेफ्ट होता है, देखिए हमारा इधर लेफ्ट है तो इधर राइट होगा इसका। हार्ट में जब भी हम बुक कॉपी में बनाएंगे तो हमारा राइट, हमारा लेफ्ट हार्ट का राइट होगा। तो राइट एट्रियम या दायां आलिंद, फिर राइट वेंट्रिकल या दायां निलय। इधर करेंगे तो ये हमारा राइट है तो राइट, ये लेफ्ट हो जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम, बायां आलिंद, फिर ये नीचे का स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल ये हो जाता है। यहाँ पे एक सेमी वाल्व होती है, सेमी वाल्व से एक वेंस, एक आर्टरीज जुड़ी होती है जिसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज या फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी। उसके बाद देखते हैं कि एक पूरे बॉडी में से हमारे अशुद्ध रक्त, पूरे बॉडी में से हमारे अशुद्ध रक्त हमारा आता है कहाँ पे, दायां आलिंद में आता है। दायां आलिंद में आके इकट्ठा होना स्टार्ट होता है यहाँ पे। जब ये दायां आलिंद भर जाता है तो ये हमारा ट्राइकल्पिट वाल्व खुल जाता है, तो ये ब्लड इसमें भरने लगता है। यहां से ब्लड भरने के बाद जब यहां तक भर जाता है ये वाल्व तक, तो इस वाल्व से होकर एक हमारी पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी होती है या फुफ्फुसीय धमनी जुड़ी होती है। फुफ्फुसीय धमनी से इनप्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त आता है हमारा लंग्स में। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है, उसमें CO2 होगी, यानी इसमें अशुद्ध रक्त ऐसे आता है लंग्स में जाता है, इसमें CO2 होती है। लंग्स क्या करता है, लंग्स की एल्वियोलीज, लंग्स में जो होती हैं लंग्स की सेल एल्वियोलीज, एल्वियोली क्या करती है, एल्वियोली यहाँ से CO2 को बाहर कर लेती है और ऑक्सीजन मिला के O2 मिला के फिर से ब्लड को भेज देती है हमारा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम वाला पूरा चैम्बर भरता है। जब ये भर जाता है तो ये डाइकल्पिट वाल्व खुल जाते हैं, तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड हमारा नीचे की तरफ आने लगता है। नीचे एक हमारी अरोटा लगी होती है जिसको कहते हैं महाधमनी, महाधमनी से ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है या भेज दिया जाता है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारे हार्ट का, हार्ट का ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाना होगा ऐसे। और ये पूरी वर्किंग हमने बता दी, पहले सबसे पहले इनप्योर ब्लड आएगा पूरे बॉडी से कहाँ पे, राइट एट्रियम यानी दाएं आलिंद में आके फिल होगा, भरेगा। तो दाएं आलिंद जब भर जाएगा तो उसके बाद हमारा ट्राइकल्पिट वाल्व पे प्रेशर होगा, ट्राइकल्पिट वाल्व खुल जाता है। उसके बाद ट्राइकल्पिट वाल्व खुलने के बाद ये भरने लगता है हमारा राइट वेंट्रिकल में, दाएं निलय में भरने लगता है। दाएं निलय में भरने के बाद ये एक हमारा सेमी सर्कुलर वाल्व होता है, सेमी वाल्व होता है, इसमें से एक हमारी नर्वस लगी होती है जिसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड जाता है लंग्स में, ये यहाँ ऐसे
ये लंग्स में जाएगा, लंग्स में जब जाता है तो इसमें CO2 मिली होती है, CO2 लंग्स क्या करता है CO2 को अलग करता है, एल्वियोली अलग करती है और O2 मिला के फिर से हमारा लेफ्ट एट्रियम में भेज देता है ब्लड को, लेफ्ट एट्रियम में भेज देता है, वहां से ये चेंबर भरने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, दाएं नीले बाएं नीले में जाता है, बाएं नीले में से एक हमारा लगी होती है महाधमनी, महाधमनी से ब्लड पूरे बॉडी में जाता है। थैंक यू।